मनोजवम मारुदुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री हनुमते नमः श्री भौमाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का कार्यक्रम हमारा है मीन राशि वालों के लिए मंगल के अस्त होने से क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होने वाला है। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से मंगल का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से है। अब चाहे आपकी राशि मीन है चाहे आपकी लग्न जन्म लग्न मीन है, दोनों के हिसाब से आप प्रभाव समझ सकते हैं। और ऐसे में मंगल आपके कितना इंपॉर्टेंट है आप समझें। मंगल आपके द्वितीय भाव का मालिक है। द्वितीय भाव विशेष तौर पर समझें कि एक तरह से द्वितीय भाव जो है वो धन का भी स्वामी है। धन भाव को हो जाता है, कुटुंब भाव, परिवार का भाव बोला जाता है, मार्केश भी बोला जाता है द्वितीय भाव को। इसके साथ साथ भाग्य का भी मालिक है, अष्टम भाव नवम भाव का भी मालिक है, धर्म का मालिक है। अब मंगल होने जा रहे हैं अस्त, मंगल चल रहे हैं इस वक्त सप्तम भाव में। आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो सप्तम, आपकी राशि सप्तम चल रहे हैं, कन्या राशि में चल रहे हैं मंगल सूर्य के साथ। देखिए अस्त होने जा रहा है ग्रह, ग्रह का अस्त होने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि ग्रह सूर्य के सन्निकट आ गया। मंगल जब सूर्य के सन्निकट आकर 17 डिग्री के आसपास आ जाते हैं, 17 डिग्री के आने पर सूर्य के बिल्कुल पास में, तब जाकर मंगल अस्त हो जाते हैं। और बड़ा विचित्र प्रभाव हो रहा है कि 4 महीने तक लगातार मंगल सूर्य के आगे पीछे होते रहेंगे और वहां पर आगे चलते चलते अस्त हो चलते रहेंगे। करीब करीब 115-16 दिन वहां मंगल अस्त रहकर ये प्रभाव रहेंगे। मंगल पुरुषार्थ का स्वामी है, मंगल साहस का स्वामी है, मंगल शुभ करने वाला ग्रह है। मंगल का मतलब ही, मैंने अभी मंत्र पढ़ा ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगल करने वाले देवता भगवान मंगल, जो समस्त देवता है प्रभु है, वो मंगल ही करने वाले, आनंद करने वाले हैं। मंगल का मतलब ही आनंद होता है। तो अब मंगल को कई लोग कह देते हैं मांगलिक हो गया वो, बस कई लोगों को ऐसी भ्रांति हो गई है कि बच्चा मांगलिक पैदा हो गया तो पसीने आ जाते हैं, अरे मेरा बच्चा मांगलिक है। अरे मांगलिक का मतलब तो शुभ होता है भाई। कुछ लोगों ने भ्रांतिवश आपके मन में ऐसी शंका उत्पन्न कर दी तो आप अननेसेसरी लॉटरी लेकर बैठे हैं और फिर आप सिर पीटने लगते हैं कि अरे मेरा बेटा तो मांगलिक है, मेरा बच्चा तो मांगलिक हो गया, मेरी लड़की तो मांगलिक हो गई। मांगलिक का मतलब शुभ कार्य होता है भैया, अच्छा होता है, आनंद होता है। तो इस भ्रांति को आप हटाने का प्रयास करें। अब मंगल अस्त होने जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके भाग्य के स्वामी आपके मारक ग्रह जो हैं वो भी, विशेष तरह मंगल मारक भी हैं आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो। ऐसे में मंगल को आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 4 महीने करीब 115 दिन 116 दिन का जो विषय है समय है, ये बहुत सावधान। 24 सितंबर को मंगल अस्त होंगे शाम को 5:30 बजे और 16 जनवरी को जाकर करीब करीब रात्रि में 9:54 पर जाके उदय होंगे। ऐसे में मंगल इन करीब करीब 115 दिनों में 4 राशि में अपना प्रभाव डालेंगे, 4 राशियों में चलेंगे आगे मंगल। इस वक्त कन्या राशि में चल रहे हैं, कई बार हम बात करें 24 सितंबर से पहले कन्या राशि में आ चुके हैं और 3 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, यानी आपके सप्तम भाव में रहेंगे। इन दिनों मंगल अस्त होने के बाद आपके साथ अननेसेसरी क्लैश करवा सकते हैं, मंगल अशुभ हो जाएंगे। मंगल अशुभ होकर आपके जीवन में ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं जो अननेसेसरी के झगड़े परेशानी, बहुत सारे काम आप जो कर रहे हैं, व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें कमीशन का काम जो लोग कर रहे हैं, विशेष तौर पर सरकारी महकमों से जो लोग काम कर रहे हैं, बने बनाए काम में रुकावट आने के योग बन सकते हैं। तो आपको अपने क्या करना, उपाय क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को थोड़ा अलर्ट करना पड़ेगा, जाके अपने संबंधों को थोड़ा हिलाना पड़ेगा, भाई साहब मैं आपके साथ हूँ, भाई साहब थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य, मतलब आनंद, मतलब उसको थोड़ा सा अपने संबंधों को और ट्विनिंग करने का प्रयास करें। अननेसेसरी वो अनट्विन हो सकते हैं, थोड़े से आपके साथ छटपटाहट होने के योग बन सकते हैं, छोटी छोटी बातों में क्लैश हो सकता है, झगड़े में फंस सकते हैं, कोई आपको अननेसेसरी परेशानी में डाल सकता है, क्लैश में फंस सकता है। तो इसका उपाय करना आपको परम आवश्यक है। उपाय कर आप इन समस्याओं को ठीक करने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं, उपाय भी बताएंगे आपको, चिंता ना करें, पहले प्रभाव समझ लें। उसके बाद मंगल क्या परिवर्तन होगा, 3 अक्टूबर को मंगल परिवर्तित होकर आगे चले जाएंगे और 17 नवंबर तक मंगल अस्त स्थिति में अष्टम भाव में विशेष तौर पे आगे यात्रा अपनी करेंगे। वहां जाकर आपको अकेले कर सकते हैं, वहां जाकर आपका प्रभाव क्या होगा, संसार में क्या होता है हमारा प्रभाव, मंगल आमतौर पर अष्टम भाव में आकर व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि बड़े बड़े लोगों से संबंध स्थापित करने का प्रयास, लेकिन अब अस्त स्थिति में जा रहे हैं तो लोग आपसे जो प्रभावित नहीं होके नेगेटिव प्रभाव आपका उनके ऊपर पड़ सकता है, तो ऐसे में आपको उसको ठीक करने की जरूरत है।
बहुत ज्यादा आपके जो क्या होता है कि लोग आपको एरोगेंट कह सकते हैं ऐसे समय में, कह रहे यार उसको पंगा मतलब वो बेकार एरोगेंट है उसकी, यानी देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है आप समझे कि होता क्या है कि आपका जो ओरा है वो बदल जाता है, प्रभाव बदल जाता है, जो जो इस आकाशीय मंडल से प्लैनेट्स हैं उनसे जो किरणें निकलती हैं वो आप विशिष्ट समझें उसका प्रभाव। अब मंगल आ गए सूर्य के साथ, वहां हो गए अस्त, दिखने बंद हो गए, लोग कह देते अंधे हो गए मंगल, अंधे नहीं हुए हैं भाई, अंधा ऐसा कहना ठीक नहीं है, मंगल हैं कौन पहले समझ लें, भगवान शिव के अंश हैं मंगल, धरती के पुत्र हैं मंगल, भगवान शिव के क्रोध बीच से उत्पन्न वीरभद्र है मंगल, जब सती भगवती सती हो गई तब जाकर उन्होंने उनको वहां से भगवान शंकर की आज्ञा से दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया और वीरभद्र ने जाकर वहां उनको निकाला, वही वीरभद्र ही बाद में जो पसीने से भगवान के उत्पन्न हुए क्रोध बीच से उत्पन्न हुए वही वीरभद्र कहलाया, वीरभद्र ही जाके आकाश मंडल में स्थित हुए, उनको मंगल कहा जाता है। तो इसलिए आप समझे शास्त्र की कथा के अनुसार से, शास्त्रों के अनुसार समझते हुए कार्य करने का प्रयास करने, कुछ ज्योतिषीगण जिस प्रकार से भ्रांति फैलाने का प्रयास करते हैं वो बड़ा दुखद है कि लोग किसी का भी अपमान कर देते हैं उठाकर। मैंने एक ज्योतिषी को सुना कि मंगल अंधा होने जा रहा है, अरे भाई क्या मूर्खतापूर्ण बात ही करते हैं, संबंध बात करें परमात्मा का, भगवान का, देव का अनादर करना किसी प्रकार भी ठीक नहीं होता है। तो आप इन सब संबंधों को समझते हुए काम करें, उसके बाद मंगल का परिवर्तन जब अष्टम में आएगा तो ये प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो अब आपको उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल उपाय तो बहुत सारे हैं, आप जाकर कोशिश करें थोड़ा सा लीनियंसी के साथ। आमतौर पर आप अकड़ हो जाएंगे मैं क्यों जाऊं उसके पास, ऐसे समय में ये प्रभाव उत्पन्न हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों में एरोगेंट हो सकते हैं कि मुझे नहीं जाना मिलने के लिए, आपका अच्छा बड़ा दोस्त बैठा हुआ है पोस्ट के ऊपर, आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं भाई मैं नहीं जा रहा मिलने के लिए, आप उसको काम करना मेरा कर दे, मेरा दोस्त मेरा इतना भी नहीं, इतनी एरोगेंसी ठीक नहीं रहेगी भाई उस समय पर। जाइए चुपचाप थोड़ा नरम होइए, एक पुरानी कहावत है दबी हुई बिल्ली चूहों से कान कटवाए, दबी हुई बिल्ली ना चूहों से कान कहे, जब बिल्ली कहीं फंस गई अब चूहे मजे लेते हैं आगे उसके ऊपर कूद जाएंगे कर क्या कर लेगी। तो ये प्रभाव है ग्रह का, आपका समय थोड़ा खराब है तो जाइए थोड़ा सा अपने आप को नीचे थोड़ा झुक कर अरे काम करवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये उपाय ही है इसका मंगल का, तो इसको करने का प्रयास कीजिए, सुंदर तरीके से आप ग्रह के प्रभाव को निष्क्रिय कर अपना ठीक कर सकते हैं। इसके बाद और एक समस्या आने वाली है कि मंगल जब आगे बढ़ेंगे 17 नवंबर को मंगल जब बदलेंगे तो कहाँ जाएंगे, आपके धर्म भाव में जाएंगे, भाग्य में जाएंगे, और भाग्य के स्वामी हैं स्वयं, वृश्चिक राशि में जाएंगे। और वृश्चिक राशि में जाने के बाद मंगल का अस्त स्थिति में जाना, यानी अस्त भाव में मंगल का वहां जाना, तो भाग्य को जगाने के लिए बिल्कुल निस्तेज होके जा रहे हैं वहां पर, यानी निस्तेज हो गए, दिखाई नहीं दे रहे, अस्त हो रहे हैं, निस्तेज हैं, और ऐसे में भाग्य से कैसे बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाने के लिए मंगल को शक्ति देनी पड़ेगी। मंगल को शक्ति कैसे दी जाएगी, मंगल को शक्ति दी जाएगी हनुमान चालीसा का पाठ कर, हनुमान जी का स्तवन कर, हनुमान जी को विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ करें या करवाएं, आप ये सब भाव रखकर बहुत सुंदर तरीके से नित्य प्रति में कहूंगा हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए इस समय में, विशेष तौर पर यह ध्यान रखते हुए करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल परिवर्तन का अद्भुत प्रकार से आप योग बना सकते हैं, ऐसे में कष्टों को दूर करने का रास्ता आपके लिए बन सकता है। ऐसे में कई प्रकार के आप उपाय कर अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे में मंगल का प्रभाव ठीक करने के लिए कुछ मीठी तंदूर की रोटियां बनाकर, जब मंगल विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से, मैं आपको बताऊं कि ये कुछ उपाय आपको बता देते हैं अलग अलग समय में कौन से उपाय करने आपके लिए अच्छे रहेंगे, वो आपके लिए हम बात करें कि अभी 26 तारीख अभी 24 सितंबर से लेकर करीब करीब 3 अक्टूबर तक एक बार ध्यान रखिएगा, अपने बहन से संबंध ठीक रखने का प्रयास कीजिएगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट बहन को दे दिया, बहन जितनी पसंद रहेगी उतना आपका मंगल प्रभावी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। ये उपाय बता रहे हैं आपको 24 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में, 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के लिए एक उपाय आपको हम बता देते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ दे सकता है। तंदूर की मीठी रोटियां बनवा लें और वो बाहर कुत्तों को डलवा दिया कीजिए, ये आप उपाय बहुत सुंदर कर सकते हैं। ये हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ करें ही करें, ये उपाय कर भी आप बहुत बढ़िया तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं उसके बाद, जब मंगल भाग्य में आए, अब भाग्य में मंगल आके अस्त ग्रह है, ऐसे में यदि आप संतान का ध्यान रखें, संतान को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, थोड़ी देर उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ वार्तालाप करें, संतान की बहुत अच्छे से कुछ गिफ्ट ला के दें संतान को, छोटा बच्चा है तो कोई टॉफी कोई गिफ्ट कोई विशेष तौर पर बाहर घुमाने ले जाएं, उसके साथ अपनी इंटीमेसी को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कीजिए, देखिएगा मंगल का जो प्रभाव है वो आपकी राशि के अनुसार से बढ़ना शुरू हो जाएगा और नेगेटिविटी समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप कर बहुत बढ़िया तरीके से लाभ लेने की स्थिति बना सकते हैं।
तो ये सुंदर सुंदर उपाय आप करें, और इसके लिए विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता यह है कि मंगल का, जब कहा जाता है कि जब मंगल अस्त हो जाता है गोचर के अंदर, और तब यदि उसकी मंगल की महादशा भी चल रही है या मंगल आपकी राशि के अनुसार से कहाँ बैठा है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद फिर पूरी तरह से बताने की व्यवस्था की जा सकती है कि क्या कुछ प्रभाव मंगल इस समय में उत्पन्न करेंगे आपकी राशि के अनुसार से। ये तो हम गोचर का प्रभाव आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उपाय हमारे अनुसार से दिखाई देता है कि आप नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार के मंगलवार सुंदरकांड का पाठ यदि करें तो देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से इस मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार से जिन जिन फेजों में होने वाला है वहाँ बहुत सुंदर तरीके से उसको आप ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसके प्रभाव को। तो इस प्रकार आप समझें, फिर भी कोई दिक्कत है तो चिंता ना करें, नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप वार्तालाप कर सकते हैं, जान सकते हैं कैसा रहेगा समय आपके लिए।